कहते हैं कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, सुनिएगा सब लोग, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम आएगा तो परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम आपका इम्यून सिस्टम बड़ा कर देती है। सो सबसे पहला तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोगों को एक डेफिनेशन मैं जरूर बताऊं जिसको लोग लेकर बहुत पशोपेश में रहते हैं, और वो जिसको बोलते हैं LUCK। एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हजारों साल से चर्चा हो रही है। ये आदमी सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ये बहुत he is very lucky। तो लक शब्द उन लोगों के मुंह से खास तौर पे आप सुनते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया। पीपल हैव बैड फिलोसफीज, उनके पास कुछ पुरानी कहानियां हैं जिनको वो लेके आज भी चल रहे हैं। टाइम बदल गया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कोई आदमी ना भरे हाथ आया है ना भरे हाथ गया, लेकिन सवाल खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच का है कि आप ऐसा क्या करके जाएंगे कि आपको सिकंदर की तरह याद रखा जाए। जाएंगे तो सब यार, कोई आदमी कोई अश्वत्थामा नहीं है जो युगों युगों तक जिएगा, सबने जाना है। खाली हाथ ही आया था खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन याद सिकंदर को ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था कि उसका नाम लिया जाए। तो हम कुछ तो ऐसा करें कि हमारा नाम लिया जाए मरने के बाद, और सवाल तो ये है कि जिंदा भी लोगों का नाम लिया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। तो व्हाट इज लक ऑल अबाउट? तो मैं लक की परिभाषा आपको देता हूं। आप बहुत लकी लोग हैं कि आप इस कैंपस में बैठे हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठे हैं, एक अच्छे माहौल के अंदर बैठे हैं। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़िया घर में, ऊंटनी का जो बच्चा वो अपनी मां ऊंटनी से एक सवाल पूछता है। उसने अपनी मां से पूछा कि माता ये हमारे पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? कुबड़ समझते हैं ना, ऊंट की पीठ पे रहता है। तो ऊंटनी का बच्चा ने पूछा कि मां हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? तो मां ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुबड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, इसको सेफ सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो उस बेटे को बात समझ में आ गई, उसने कहा वेरी गुड। उसने बोला माँ हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने बोला बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, तो दूर तक जाना होता है, तो दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पंजा दिया है, बड़े पैर दिए। तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने तीसरा सवाल पूछा कि हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? तो उसकी ऊंटनी माँ ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती है, रेत उड़ती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए इसलिए ईश्वर ने हमको आंखों के आगे हेयर्स दिए, बाल दिए। अब वो जो ऊंटनी का बेटा था उसने चौथा सवाल पूछा, और उस चौथे सवाल ने उसकी माँ को चारों खाने चित कर दिया। उसने कहा अच्छा कुबड़ पानी सेव करने के लिए रखा है? माँ ने बोला हाँ। पैर इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सके? माँ ने बोला हाँ। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में धूल ना आए रेत ना आए? माँ ने बोला हाँ। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तुम यहां क्या कर रहे हो? आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं। व्हाट इज लक? सही जगह पर सही समय पर सही लोगों के बीच में बैठना है लक। सही जगह पर सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठने को बोलते हैं। तो आप बहुत लकी हैं कि आप सही जगह पर हैं, सही समय पर हैं और सही लोगों के बीच में हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार अपने लिए जरूर ताली बजाएं, क्योंकि ये जो माहौल है ना, ये सारा का सारा खेल माहौल का है यार।